दो चीजें लूंगा आज। एक ऐसी दुआ है जो 8 या 9 मिनट की है, नॉट इवन 8-10-9 मिनट, 5-6 मिनट, तेज पढ़े 5-6 मिनट की, तेज नहीं पढ़े तो अच्छा है। वो दुआ किसकी है? किसी मौलवी मुश्ताक की नहीं, खाला इमाम जाफर सादत अलैहि सलाम है। वो दुआ में इमाम ये बोल रहा, और ये दुआ किस में? मफातीहुल जिना शेख अब्बास खुमी की जो किताब है, उसके बाद डिवाइन पर्ल ऐप जो है उसमें भी ये दुआ है। जो टेलीफोन से बनना चाहते हैं उनके लिए भी, हर के घर में मफातीह नहीं होगी, लेकिन आप उसमें आपकी मशहूर दुआ पढ़ते होंगे, वो 100% पढ़ते होंगे। मैं खाली उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको कि जरूर के लिए कितनी जरूर। अच्छा, और एक बात बता दो, ये दुआ जब तक जहूर नहीं हुआ ये दुआ पढ़ना है, जहूर के बाद ये दुआ बंद हो जाएगी। जो अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन रहेगी, ये दुआ मौला की सलामती की रहेगी, लेकिन मैं क्या दुआ बता रहा हूं आपको, ये दुआ जहूर के बाद खत्म हो जाएगी, जहूर के बाद भी पढ़ी नहीं जाएगी। इसलिए मौला आ गए, वो दुआ ही जहूर की, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन सलामती की दुआ है मौला की। तो हम जब रहेंगे मौला साहब, हम हर रोज मौला की सलामती की दुआ करेंगे, लेकिन ये दुआ जो मैं बता रहा, बड़ी फेमस दुआ, पढ़ते होंगे 100% पढ़ते होंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस देख लो खाली। अगर तुम्हारे पहाड़ के उतनी हाजात है, राई के दाने या स्टार्स के उतने तुम्हारी हाजात है दुआएं, तो ये दुआ से तुम्हारी दुआएं पूरी होती है। अनलेस यू आर डूइंग रियली समथिंग रॉन्ग, तुमसे कोई गलती हो रही है, तुम किसी का माल खाए हुए हैं, तुम्हारे पेट में हराम भरा हुआ है, तो नहीं होगी। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। अदरवाइज स्टार्स के बराबर तुम्हारी हाजात है, अल्लाह के लिए उनकी कमी है, वह एक सेकंड में कर देता हूं, खाते में मुतलक है, वो देख के खुश होता। क्या बोल रहा यार, देख के खुश होता। अल्लाह वो है कि जो बंदे को देता है खुश होता है, वो होता मुझे मांगो तो मुझसे कम टू मी, मैं दूंगा तुमको। और ये भी नहीं देखता कि ये काफिर है या मोमिन है, कभी नहीं देखता कि ये मुश्रिक है, ये मुझे नहीं मानता, हम है वो। अगर मुझे कोई सपोर्ट करेगा, मुझे कोई सलाम करेगा तो मैं रोटी दूंगा, अगर कोई मुझे देख के मुंह फेरेगा तो मैं दूंगा, मैं बोलूंगा यार सगा भाई है तो नहीं दूंगा मैं। लेकिन अल्लाह को है कि उसको मानो या ना मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो या ना बोलो, तुम्हारी रोटी कभी बर्न नहीं करता। इतना करीम है कि हम मां के पेट में बाद में आते, 9 मंथ्स बिफोर मेरी रोटी जमीन पे भेज देता। क्या बोल रहा हूं, 9 महीने के बाद तुम दुनिया में आने वाले हो, रिस्क पहले आ गया, बोलता तुम घबराओ मत, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। अब वो अगर हम खा जाए किसी का रिस्क तो एक अलग बात है। क्या बोल रहा यार, इनका भी खा लो उनका भी, हमेशा याद रखो कि अगर कोई तुमको, तुम किसी की हेल्प कर रहे, तुम किसी को रोटी दे रहे, प्लीज गौर से सुनना, अगर तुम किसी को कोई लंच, मिसाल के तौर पे तुम लंच प्रोवाइड कर रहे, या तुम किसी को खाना खिला रहे, या तुम किसी गरीब की को खाना दे रहे, ओके, तो तुम प्लीज, तो तुम ये शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने उस बंदे का रिस्क का जिम्मेदार तुमको बनाया। नहीं समझे, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया उसके, तुम रिस्क दोगे उसका, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सोचते नहीं कि मैं किसी गरीब को खाना खिला रहा, कितनी बड़ी बात है। तो जो दुआ मैं बता रहा हूं, बात निकल जाएगी, ये बहुत फेमस, आप बहुत पढ़ते हैं दुआ, ये मुझे मालूम है, सभी पढ़ते हैं। तो वो दुआ में मफाती में दुआ नब्बा के बाद वाली दुआ, डिवाइन पर के ऊपर यह दुआ मौजूद है, दुआ में जाइए, दुआ है छठे माम बोले, मैं नहीं बोले, आबिद बिरामी के जुमले नहीं, छठे माम के जुमले, कि एक एक वर्ड के बदले में, एक एक जुमले के बदले में अल्लाह तुम्हारे 1000 गुना माफ करता, 1000 नेकी लिखता, यानी 1000 तुम्हारे बैड डीड्स रेज होते एंड 1000 गुड डीड्स इंक्रीज होते। एक दुआ पढ़ लोगे ना, एक दिन छप्पा फाड़ के हो सकता मिल जाए, एक दफा भी पढ़े तो 1000 गुना माफ हो गए। हमारी दुआ कबूल की नहीं होगी, गुनाहों की वजह से नहीं होगी।
मेरे गुनाह माफ होंगे तो रहमत खुदा आएगी। अब बोल दूं दुआ क्या? दुआए अहद। अब कितने इजी लेके सुने नहीं दुआए, हाँ वो तो हम पढ़ते हैं, खाक पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं मिला अब तक? Why you didn't get? कोई रीजन? ये दुआ में स्टार्टिंग में देखना, स्टार्टिंग में ये दुआ की स्टार्टिंग में है कि हम ये बोल रहे मौला को, हम प्रॉमिस कर रहे मौला, प्रॉमिस कर रहे, अहद कर रहे, क्या कि मौला मैं मर जाऊंगा, मैं लहद में ग्रेव में चला जाऊंगा, उसके बाद अगर आप आएंगे तो मैं अपने कफन को अपनी बॉडी पर रैप करूंगा, लपेटूंगा और नैजा लेकर नीचे से उठ के आपकी मदद करूंगा। मैं आपको एक घंटे का होमवर्क नहीं दे रहा, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। 10 मिनट की दुआ है, फजर के बाद पढ़ना बेहतरीन टाइम है। ये नमाज फजर के फौरन बाद नहीं पढ़ना, कहीं नहीं पढ़ना, जब सूरज की पहली किरण बाहर आती उसके बाद पढ़ना, कि ये कंफर्म हो गया कि अब इमाम नहीं आ रहा। लेकिन मैं एक बात बोलता, प्लीज खजरबाग के मेंबर से, हर दुआ हो हर अमल हो कंडीशंस अप्लाई। आप समझ रहे, ये मेरे को जादू की छड़ी नहीं। अगर मिसाल के तौर पर मैं दुआ अहद पढ़ा और मैं अपनी जबान से किसी को हर्ट कर रहा तो कोई फायदा है? मैं किसी की बैकबाइटिंग कर रहा, मैं अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर रहा, मैं अपने पेट में हराम डाल रहा, तो यू थिंक ये दुआ का असर होगा? ये चीजों से अपने आप को बचाना है पहले। एक ही वादा कर लो मौला हुसैन से, इमाम जमाना से, दुआ अहद के बाद कि मौला आई एम नॉट गोइंग टू ईट हराम। एक वादा कर लो बस, पूरा अश्रा मैं हराम पे पढ़ दूं कि हराम क्या क्या चीजें हैं जिसको हमको छोड़ना है। एक वादा कर लो, हराम क्या है? मैं ये नहीं बोलता कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाते, मैं ये नहीं बोलूं कि आपकी जॉब हराम है, मैं ये नहीं बोलूं कि आपकी सैलरी के पैसे हराम है। नो, आई डोंट मीन दैट। सिर्फ मैं जिधर इशारा कर रहा हूं आप जानते, बीवी का हक दे दो पैसा खुद ना खुद हलाल हो जाता। खामोश हो गए नहीं? पैसे की बात जब करता यही हशर होता। इस अल्लाह तले मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं सबको बोल रहा जो जो सुन रहा मुझे इस वक्त के हक के बिना, उसके डिटेल में नहीं जा रहा, नॉट गोइंग। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही बात रिक्वेस्ट कर, कि अगर रियली इफ यू लव मौला हुसैन, इफ यू रियली लव इमाम हुसैन, देखिए मोहब्बत एक तरफ की नहीं होती, मोहब्बत दो तरफ की होती। दुनिया में भी वन साइड मोहब्बत चलती नहीं, चलती है? आई डोंट नो। आप बोलेंगे नहीं यार मैं करता हूं, वो तो नहीं करता, मैं करता बोल रहा हूं। या नशा हमारा इससे, तो मोहब्बत वन साइड की नहीं होती, मोहब्बत हमेशा दो तरफ की होती।